हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके बिना हम कहीं जाते नहीं, जिसके बिना हमारा कहीं मन नहीं लगता और जिसे हम कहीं छोड़ते नहीं, यही तो वो गैजेट है, यही तो वो डिवाइस है जो कि हमारी पर्सनल फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करता है। और हमेशा डर बना रहता है कि हमारे मोबाइल फोन को कोई देख ना ले और इसके पर्सनल मैसेजेस कोई पढ़ ना ले। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन के साथ सोने से क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल फोन को नाइट में यूज करने से क्या प्रॉब्लम है, बैटरी डिस्चार्ज होने टाइम मोबाइल को यूज करने से क्या प्रॉब्लम है, चार्जिंग में लगाकर मोबाइल से बात करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, अपने आप को मोबाइल ब्लास्ट से बचाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने सुना होगा मोबाइल फोन ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रात को मोबाइल फोन लेके सोते हो सकता है कहीं ब्लास्ट हो जाए। वैसे ये होता नहीं है, डिफेक्टेड पीस में होता है, जो कि फॉल्टी पीस होता है उसमें होता है, क्योंकि मोबाइल बनने के बाद काफी टाइम इसको रिसर्च किया जाता है कितना घंटा चल सकता है, कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन फिर भी कोई मोबाइल फॉल्टी हो जाता है तो हो सकता है वो फॉल्टी मोबाइल आपके पास हो। तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी फर्स्ट है, बाद में है ये मोबाइल फोन गैजेट। यानी कि आपको मोबाइल फोन रात को लेके सोना नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान है। नुकसान क्या है तो जान लेते हैं। जब भी आप मोबाइल फोन को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं या फिर यूज करते सो जाते हैं तो क्या होता है, इससे निकलता है रेडिएशन। हाँ, हालांकि इस रेडिएशन को ज्यादा हार्मफुल नहीं कहा गया है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन फिर भी क्या फायदा अपने पिलो के नीचे इसे रख के सोने का। हो सकता है कि रेडिएशन ज्यादा हो और आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाए। इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल फोन को कभी भी अपने तकिया के नीचे रख के नहीं सोए। अब हम बात करते हैं, क्या मोबाइल फोन को ज्यादा देर बात करते टाइम, यानी 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, बहुत लोग तो घंटे भाई साहब बैलेंस खत्म करवा देते हैं दूसरे का और मोबाइल फोन हीट हो जाता है, बोलता भैया छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ते, तो क्या ऐसे बात करने आपको प्रॉब्लम होती है? जी हाँ दोस्तों, इतने देर तक बात करने में मोबाइल फोन हीट हो जाता है और आप जानते हैं हीटिंग होने के बाद गैजेट डिवाइस जो होता है इनबैलेंस काम करने लगता है, यानी ज्यादा एक्टिविटी होने लगती है और नर्वस हो जाता है और इस केस में इसकी रेडिएशन हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है और इस केस में आपके मस्तिष्क पे असर पड़ सकता है, इवन आपके कानों पे भी असर पड़ सकता है। जो ज्यादा देर तक आप अपने मोबाइल को टच करके नहीं बात करें, अगर ज्यादा देर बात करना है तो हैंड फ्री करके बात कर सकते हैं। वैसे हैंड फ्री कैसे करेंगे, कोई सुन नहीं लेगा, तो दोस्तों हेडफोन लगा लो, ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कान में लगा के ज्यादा देर बात नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल ले लो, और बड़ा मजे से वो खेलता भी रहता है। पहले हम लोग क्या थे, छोटे छोटे खिलौने से खेलते थे, लेकिन आज के दौर में बच्चे तो भाई साहब स्मार्टफोन चाहिए उनको और हम भी उन्हें दे देते हैं। इस केस में क्या होता है, बच्चे की जो मस्तिष्क होती है, उनकी बनावट होती है, वो बड़े ही कोमल सा होता है। इस केस में बच्चे अगर इससे खेलते हैं तो इसकी रेडिएशन बच्चों के लिए इफेक्टेबल है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जहां तक हो अपने बच्चों को गैजेट से दूर रखें, उन्हें खिलौने दें और उससे उसे मनाएं। अब बात करते हैं मोबाइल फोन को नाइट में यूज करने से क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों बेनिफिट तो होता ही नहीं है, नुकसान यह है कि इससे निकलता है ब्लू रे। हाँ जी दोस्तों, ब्लू रे निकलता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप नाइट में इसे यूज करते हैं तो सारे लाइट तो नाइट में बंद होता है, इसका लाइट ज्यादा होता है। इस केस में आपके आईज सिग्नल देता है दिमाग को कि भाई साहब अभी दिन है, सो मत, और इस केस में आपकी नींद बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। और आप जानते हैं कि नाइट बनाया गया है सोने के लिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को हमारे आईज एक इंडिकेट करती है भैया नाइट हो गई है, चलो सोने। और अब नाइट में आपने मोबाइल यूज किया तो आपके आंखों को यह लगता है कि अभी नाइट नहीं हुआ है, और उस तरीके से वो कमांड देता है मस्तिष्क को और हम अच्छे तरीके से नहीं सो पाते, हमारा दिमाग चलता रहता है। तो अगर आप नाइट में मोबाइल यूज करते हैं तो आप उसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन को कम कर दे, यानी ब्राइटनेस को कम कर दे, डीप ब्राइटनेस रखे, रेड ब्राइटनेस रखे। इससे क्या होगा कि आपके आंखों पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट काम है नाइट में, तो आप मेरे तरह ब्लू कट लेंस यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं यूज करता हूं, यह है ब्लू कट लेंस, इस पे ब्लू रेज आती है तो अंदर तक नहीं जाती। अगर मेरे पास लाइट होता ब्लू तो मैं चेक करके आपको दिखाता, लेकिन परफेक्टली ये अंदर तक नहीं जाती। ब्लू कट लेंस के नाम से आप ये लेंस को बाय कर सकते हैं अगर नाइट में ज्यादा काम है या फिर पीसी वगैरह पर ज्यादा काम है। अब हम बात करते हैं कि चार्ज में लगाकर मोबाइल यूज करना क्या हार्मफुल है, क्या डेंजरस है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा ज्यादातर मोबाइल ब्लास्ट हुए चार्ज में लगे हुए, वो क्यों? क्योंकि मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो कई गुना ज्यादा हो जाती है जब आप चार्ज में लगाते हैं। तो
जब आप चार्ज में लगाते हैं मोबाइल को तो इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है और इस केस में इसमें बहुत सारे हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, गर्म होने लगता है आपका मोबाइल और ऊपर से आप कॉल कर रहे हो तो सिग्नल का रेडिएशन भी एक दूसरे से टच होता है, इस केस में ये ब्लास्ट हो सकता है। तो आप मोबाइल फोन को चार्ज में लगा के कतई भी यूज ना करें, आप चार्ज से निकाल के बात कर ले या फिर बाद में चार्ज कर ले। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मोबाइल फोन में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या फिर सिग्नल लो होता है उस टाइम बात करने से क्या प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम इसकी रेडिएशन कोई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मोबाइल फोन डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, इसके सारे सिस्टम को पता चलने लगता है कि मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो वो अपनी अपनी पावर को खींचने लगते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा रहेगा मैं एक्टिव रहूंगा, मेरे पास ज्यादा रहेगा मैं एक्टिव रहूंगा, या फिर सिग्नल कम है उस टाइम सिग्नल लेन देन करने वाली जो आईसी लगी होती है जिसका नाम है RXTX यानी रिसीविंग और ट्रांसफरिंग दो गजेट लगे होते हैं इसके अंदर, वो हैवी वर्क करने लगते हैं यानी लेने देने की काम ज्यादा करने लगते हैं क्योंकि वीक होता है इनका नेटवर्क और उस टाइम ये चाहते हैं नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना। इस केसेस में भी आपकी जो मोबाइल फोन है ये काफी रेडिएशन को बाहर निकालती है और इस टाइम अगर आप यूज करते हैं तो आपको इफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये मोबाइल फोन अगर कहीं ब्लास्ट हो गया ना तो आप जिसको मैसेज करते हो उसका क्या होगा, तो आप अपना नहीं तो कम से कम उसका तो ख्याल रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि मोबाइल फोन को कैसे यूज करना चाहिए और कैसे यूज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना, नहीं भाई ये आप देख लेना करना है कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।